फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जिसमें चार केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़ना है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। तो आज हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले दो रिएक्शन कवर करेंगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, क्योंकि अगर चारों एक साथ कर लेंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो पहले SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद E1 और E2 को देखेंगे। ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर गिवन है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं आपको लिखने के लिए, इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन, जो चार रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन जो होता है अल्काइल लाइट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने एक अल्काइल लाइट बनाया हुआ है, कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे R1, R2, R3 से डिनोट कर दिया है, और इसके साथ एक हलाइट भी है। तो कार्बन और हलाइट का बॉन्ड मैंने बताया कि पोलर होता है, इसमें पोलैरिटी डेवलप कर जाती है। तो और यहाँ पे पोलर होने का, यहाँ पे पोलैरिटी जल्दी से गेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। जब भी अल्काइल लाइट SN1 रिएक्शन देगा तो उसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा ही प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये दोनों पोलैरिटी गेन करेगा, इस पर डेल प्लस और इस पर डेल माइनस आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हलाइड एन, तो वो ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और निकलते जाएगा, धीरे 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 निकलते जाएगा। तो पहले तो डेल प्लस और डेल माइनस आएगा, क्योंकि पहले बॉन्ड नहीं टूट रहा है, पोलैरिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जब पूरी तरह से वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, मींस इधर से भी, या फिर इधर से भी अटैक करेगा, दोनों में से किसी भी साइड से कर सकता है। लेकिन ये सब होगा जब हैलाइड निकल जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होता है हैलाइड का, मींस कि उस पर पोलैरिटी डेवलप होती है और धीरे धीरे निकलने जाता है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो दोनों एक साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, इसके चार बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। इसलिए जब ये हलाइड जो होता है, पोलैरिटी इसमें गेन हो जाती है, और जब ये निकल जाता है तब जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक, जब ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, तो क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बन पे प्लस आना मीन्स वो कार्बोकैटायन बना रहा है। तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है जब आगे प्रोसीड होता है ये रिएक्शन। तो और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग किस पे डिसाइड करते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा SN1 रिएक्शन करवाना है, तो आप देख लीजिए कि आप किस कार्बन पे ऐसा कैसे कराएं कि वहाँ 3 डिग्री हम लोगों को मिले, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, इतना बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो पूरी तरह से जुड़ जाएगा, या तो फ्रंट साइड से या तो बैक साइड से। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक बार देखते हैं। जैसे दो बातें मैंने बता दी कि टू स्टेप रिएक्शन होता है, और ये फर्स्ट में सेल्फ आयनाइजेशन होता है हैलाइड का, और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तीसरा, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है यूज़ किया जाता है कि पोलैरिटी अच्छे से डेवलप करे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आयनाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स कि सेपरेट होने में, कार्बन और हलाइड को ये सेपरेट होने में फेवर करेगा। उसके बाद चौथी बात की इसमें जो अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल लाइट, 2 डिग्री अल्काइल लाइट, 1 डिग्री अल्काइल लाइट का भी खेल है कि 3 डिग्री अल्काइल लाइट होता है वो ज़्यादा देगा SN1 रिएक्शन। उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ अल्काइल लाइट कि कौन कितना, मतलब SN1 कौन फेवर करेगा, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस को फेवर करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा, उसके बाद 2 डिग्री देगा, और उसके बाद 1 डिग्री देगा। 1 डिग्री की तो अगर है तो वो ज़्यादातर SN2 देते हैं, 1 डिग्री जो होते हैं वो SN2 देते हैं, लेकिन 3 डिग्री जहाँ भी है वो जो हमेशा ही SN1 ही रिएक्शन देता है। उसके बाद ये जानना होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये जान लीजिए कि SN1 में जो भी न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो वीक होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये चाहेगा तुरंत अटैक करना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ये चाहेगा कि तुरंत अटैक करूँ। पर ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड पहले से बने हुए और इसको आयनाइज होने में टाइम तो लगेगा ही, इसलिए और जगह तो होगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में हम लोग हमेशा जो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल ही लेते हैं। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो SN1 रिएक्शन में पढ़ने हैं। अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है। अब हम लोग SN2 रिएक्शन पे आएंगे। उससे पहले एक चीज़ और, कि जब भी अल्काइल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पे हैलाइड है, तो अब
हलाइड तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं। अब मान लीजिए कि एक जगह आयोडीन दिया है, एक जगह क्लोरीन दिया है, एक जगह ब्रोमीन, एक जगह फ्लोरीन, तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि कौन न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक कराते हो चारों में से, तो सबसे पहले कौन आयनाइज होकर निकल जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो है, सबसे पहले आयनाइज आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, क्योंकि आयनाइजेशन जो मतलब बेटर लीविंग ग्रुप जो होगा वो इसका इसका ये कहेंगे कि सीरीज़ है आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन एंड देन सोडीन। तो जब भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव में या फिर किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है आपके बुक में, बीच में ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन तीनों को ले रखा है, उसके बाद पूछेगा कि सबसे पहले कौन देगा नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर जो लीविंग ग्रुप का होता है मतलब हलाइड का, सबसे न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराने पर सबसे पहले आयोडीन निकलेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इतना ही था जो SN1 में हम लोगों को देखना था। अब हम लोग आएंगे SN2 रिएक्शन पे। अब हम लोग आते हैं SN2 रिएक्शन पे, जिसका फुल फॉर्म होता है बायो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ भी एक अल्काइल लाइड ही प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोफाइल ही प्रेजेंट होगा, पर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा। वहाँ फ्रंट और बैक दोनों साइड से ही अटैक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो सीधे बैक साइड से अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल। और वो टू स्टेप रिएक्शन था, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब जो अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा पीछे से और आगे से हलाइड जो होगा एक ही साथ निकलते जाएगा। यहाँ पे दोनों काम एक ही साथ चलेगा, इसलिए इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कोई कार्बोकटैन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोकटैन बनेगा कैसे, वहाँ पे तो कार्बन पे प्लस चार्ज इसलिए आ गया था क्योंकि अल्काइल हैलाइड से हैलोजन जो है उसे अलग हो गया था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था। लेकिन यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हलाइड निकल रहा है और इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बहुत दो एक सिंगल स्टेप ही रिएक्शन होता है, और जस्ट जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं SN1 के अपोजिट होते हैं, जैसे कि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर कर रहा था SN1 को, मतलब 3 डिग्री अल्काइलाइट ज़्यादा दे रहा था, 2 डिग्री उसके बाद फिर 1 डिग्री। यहाँ जस्ट इसका अपोजिट, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को फेवर नहीं करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइलाइट SN2, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो SN1 ही देगा। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। पोलर एप्रोटिक क्यों यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन का ज़रूरत है नहीं, एक साथ ही अटैक है और निकलना भी है, तो इसलिए यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है, क्योंकि अटैक तुरंत करवाना है यहाँ पे, हलाइड इसको निकलने के लिए वेट नहीं करना है कि निकलेगा ये तो हम आएंगे, सीधे ये दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, हलाइड निकल भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, जिसके कारण ये वेट नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर ये प्रोडक्ट हम लोगों का बनेगा। प्रोडक्ट जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा ही बैक साइड से अटैक करेगा। बस एक चीज़ दोनों का सिमिलर ये होगा, ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप, जैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हैलाइड में आयोडीन था, इसी तरह यहाँ भी वही ऑर्डर रहेगा, जो रहेगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ये बस जो एक चीज़ है ये दोनों में ही सेम रहेगा, बाकी सारा जो प्रॉपर्टीज़ है उसके जस्ट अपोजिट है। इसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों को देखनी है, पर उसके पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये दो चीज़ था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, जिम क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए बेल बटन दबाइए। थैंक यू।